नमस्कार, आज पद्मपुराण की कथा संपूर्ण हुई। इस पुस्तक में अनेक बार माता पिता की सेवा को सभी पूजन और यज्ञ आदि से बढ़कर कहा गया है। इन पुराणों में न केवल पूजन परंतु लोक कल्याण या कहें कि जीव कल्याण के लिए किए गए कार्य को भी महत्वपूर्ण कहा गया है। अनेक इतिहास वर्णन के रूप में जो कथाएं हैं वह न केवल शिक्षाप्रद हैं अपितु हमारे समृद्ध संस्कृति को भी दर्शाती हैं। यह वही कथाएं हैं जिनके साथ हमारी पीढ़ी अगर बड़ी होती तो संस्कारों की कमी नहीं दिखाई देती। कुछ स्थानों पर ऐसा वर्णन भी है जब छद्म वेशधारी व्यक्ति मनुष्य को धर्म से पथभ्रष्ट करने का प्रयास करते हैं। आज के संदर्भ में भी वह उतना ही सत्य है। इस पुराण को पढ़ने से अनेक बातें स्वयं समझ में आने लगती हैं। जैसे पहले सभी पशु पक्षी मनुष्यों से बात कर सकते थे, यह भाषा ज्ञान शायद अब विलुप्त हो गया है। अनेक कथाओं में ऐसा भी कहा गया है कि पशु पक्षियों को अपना पूर्वजन्म स्मरण था। तो क्या आज के समय में भी हम कुछ श्वान या बंदरों को मंदिरों में जाते या विशेष कर्म करते देखते हैं तो क्या यह कोई पुण्यात्मा है? अनेक मनुष्य केवल दूसरों को हानि करने के उद्देश्य से पौधों को काट दिया करते हैं। वे कभी भी यह नहीं सोचते कि उनमें भी प्राण है और इससे जीव हत्या का पाप उनको लगने वाला है। इसी प्रकार प्राण प्रतिष्ठा करके हम निर्जीव चीजों में भी प्राणों को प्रतिष्ठित करते हैं, अर्थात उन्हें सजीव की संज्ञा में ले आते हैं। रामायण और महाभारत के अंशों का इसमें समावेश है। इस पुराण में व्रतों की विधि विस्तार से कही गई है। आने वाले समय में मैं विष्णु पुराण आरंभ करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। मेरा प्रयास यह भी रहेगा कि रविवार के एक दिन मैं आपके समक्ष ऋग्वेद को भी लेकर आऊं। आप मेरी ऑडियो बुक से मेरे ही समान अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। नमस्कार, अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा।